समुद्र का पानी इवेपोरेट होकर बारिश होती है, ये बात तो हम सब जानते हैं। लेकिन पानी तो 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होकर लिक्विड से वेपर बनता है, तो फिर पानी रूम टेम्परेचर पर इवेपोरेट कैसे होता है? चलिए जानते हैं। किसी भी लिक्विड को इवेपोरेट होने के लिए उस पर टेम्परेचर के साथ ही काफी फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, जैसे कि सरफेस एरिया, विंड स्पीड, ह्यूमिडिटी एक्सेट्रा। एग्जांपल के तौर पर हम पानी को ही ले लेते हैं। अगर आप आइस को देखोगे तो उसके अंदर मौजूद मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट ना के बराबर होती है, और जब हम आइस को हीट प्रोवाइड करते हैं तो उसके अंदर के मॉलिक्यूल्स मूव होते हैं और आइस वाटर में बदल जाता है। और अगर हम वाटर को भी हीट प्रोवाइड करते रहे तो उसके मॉलिक्यूल्स और भी ज्यादा स्पीड से मूव करते हैं और वाटर गैस में बदल जाता है। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब भी फर्श पे पोछा लगता है तो सिर्फ फैन की हवा से ही सूख जाता है। यहाँ पर भी पानी को ज्यादा सरफेस एरिया और विंड स्पीड मिलने के कारण उसके मॉलिक्यूल्स तेजी से मूव करने लगे और पानी गैस में बदल गया। और समुद्र में भी पानी की सरफेस सनलाइट में आने की वजह से उसके अंदर के मॉलिक्यूल्स में काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और वो तेजी से मूव करने लगते हैं, और पानी 100 डिग्री सेल्सियस के पहले ही गैस बन जाता है।